इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वैक्सीन पर बचे सियासी घमासान के बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बड़ा बयान दिया है। वीके पॉल ने कहा है कि राज्यों को सप्लाई बंद नहीं हुई है। वैक्सीन के लिए अमेरिकी कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना से भी बातचीत चल रही है। वैक्सीन खत्म हो गई है ये कहना ठीक नहीं। सप्लाई है वो इस देश में उपलब्ध कराई जा रही है। जब स्टेट्स ने ये कहा कि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में भी उनकी से हो, तो एक नई व्यवस्था लाई गई कि 50% वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की है वो भारत सरकार करके स्टेट्स को ही देगी फ्री, टू बी गिवन टू पीपल अबव 45 एंड अबव एज ग्रुप। उसके अलावा एक स्पेशल चैनल क्रिएट की गई जिस जो कि रिमेनिंग 50% के लिए है कि स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। रफली 25% के करीब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अक्रू कर रही हैं इन कंपनी से। नाउ ऑन दिस 25% सप्लाई और वट एवर स्टेट प्रोक्योर्स, स्टेट डिसाइड्स कि किस ग्रुप को देना है और किस तरह से उसको आगे लेके चलना है। तो ये कहना कि वो सप्लाई बंद हो गई है ये उचित नहीं होगा और सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्शन अ डिस्टिंक्ट पार्ट इज अवेलेबल टू नॉन गवर्नमेंट चैनल्स इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू बी यूज्ड फॉर वैक्सीनेटिंग द पीपल ऑफ दैट स्टेट अकॉर्डिंग टू अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जो है वही है। ये कह देना कि खत्म हो गया है तो हम तभी कह सकते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि जो हमें सप्लाई दिखाई दे जाए, लेकिन ये बात भी हमें लेकर चलना चाहिए कि ये फेज ऐसा है कि जिसमें हमारा रैंप अप पहले से ज्यादा बड़ा है, लेकिन और रैंपिंग अप जो हो रही है हैपनिंग बाय द फोर्टनाइट एंड एज वी मूव फॉरवर्ड देयर विल बी अ लॉट ऑफ मोर वैक्सीन अवेलेबल इन द टोटल स्टॉक पाइल एंड फॉर जीओआई फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इसको मिलकर साथ चलना चाहिए। इसमें कोई वो डिबेटिंग पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं होनी चाहिए। उनको मालूम है कि कितना आ सकता है, अब खरीद रहे हो उतना ही तो हम दे सकते हैं अपने सिटीजन्स को। तो इसको एक ये लेके चलना होगा कि वैक्सीन का जो कवरेज है वो विद टाइम पूरा होगा। किसी भी देश ने वैक्सीनेशन का कवरेज जो है, छोटा एक कोई देश छोड़ दीजिए, आइलैंड नेशन है, छोटा सा देश है, किसी भी बड़े देश ने इसको 2 हफ्ते में 2 महीने में पूरा नहीं किया हुआ है। बड़े बड़े देशों की बात करें तो 6-8 महीने से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला हुआ है और कितनी पॉपुलेशन कवर करी है। अगर यूरोप के बड़े देशों की बात करें 24-25% यूरोप मेनलैंड की बात करते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। वी शुड बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ प्रिपेयरनेस एंड सस्टेन प्रोग्राम। डॉक्टर पॉल, आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर उनका डेथ टोल हमारे डेथ टोल से देख लीजिए, उनका पॉपुलेशन हमारे पॉपुलेशन से देख लीजिए। आप उस एम्पावर्ड ग्रुप में थे जिसने वैक्सीन ऑर्डर्स दिए थे 2020 में, जब ऑर्डर्स दिए थे आपने भारत की कंपनी दोनों, चाहे भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट हो, तो उस वक्त विदेशी कंपनियों को क्यों नहीं दी जब पता था इन दोनों कंपनियों के पास कैपेसिटी नहीं है हमारी पॉपुलेशन के लिए। सारे ही विश्व में वैक्सीन बनाने की टोटल कैपेसिटी जो विश्व की नीड है उससे इस स्टेज पे बहुत कम है। ये हम डेवलप्ड नेशंस की भी तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम सारे यूरोप की नीड को करें और यूरोप को कितना मिल रहा है, तो ये मिसमैच इज यूनिवर्सल। ये एक पक्की और डिस्टिंक्ट बात है। वी आर इन अ फेज व्हेन वैक्सीन सप्लाईज आर रैंपिंग अप but they are still not matching the total requirement of the eligible population in a very with a very big factor. Having said that, aapne sawal kiya ki bahar ki companies jab pichle saal wahan visible hona shuru ho gaya ki vaccine bana sakti hain, to humne kya kiya, humne bilkul shuru se hamare different organizations, department of biotechnology, my organization here, हमने मिल के इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर मॉडर्ना जेएनजे के साथ लगातार बातचीत और कॉन्टैक्ट रखा। इनफैक्ट
फाइजर के साथ तो कॉन्फिडेंशियलिटी डिक्लेरेशन वगैरह का जो करार करना पड़ता है वो भी किया, तो कांस्टेंट टच में रहे। और यही कहा गया और इस बातचीत में कि आप हमारे देश के लिए सप्लाई करिए, इसके अलावा यहाँ फिल एंड फिनिश के लिए एक प्रावधान करिए, हमारी कंपनीज के साथ जुड़ के मैन्युफैक्चरिंग करिए। ये सारे ऑप्शंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हैव बीन ऑन द टेबल इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अ पार्टनरशिप वे। उनकी तरफ से यह इशारा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग बाद में कंसिडर करेंगे, अभी नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग का बेस जहां बना है उसी को ही एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे। हमने फिर यही कहा कि अब इंपोर्ट कब संभव है, तो उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट करा कि जब भी ये संभावना निकलेगी दे बी वेरी हैप्पी टू एंगेज विद अस। और उन्होंने जनरली इंडिकेट यही कहा कि Q3 ऑफ 2021 में ही सप्लाईज वो दे पाएंगे जब उनका रैंप अप वगैरह होगा। कहने का मतलब ये है, इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही, कहने का मतलब यह है कि एंगेजमेंट में इन्वाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इन्वाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद J&J होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए, स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए, उधर से भी ट्रैक्शन हुई, इधर से भी जुड़े 6-7 कंपनी के साथ उनके करार हो गए, उन्होंने ट्रायल भी कर लिया, उन्होंने EUA भी प्रदान कर लिया और उन्होंने अपनी 2 ट्रांचेस ऑफ वैक्सीन भी भेज दिए। तो कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक नहीं है कि हमने उनके साथ इंगेज नहीं करना है, बल्कि फाइजर इंडिया जैसी कंपनी हमारे देश में पहले से इतनी अच्छी प्रेजेंस है, वी हैव बीन वर्किंग लाइक अ टीम। उनको ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब एक विजिबल होता है कि वहां पे स्टॉकपाइल है। और ये भी याद रहे कि भारत की नीड को पूरा करने का इतना बड़ा स्टॉकपाइल जो है वो इन कंपनीज में कुल मिला के भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा बहुत एम्फेसिस ये रहा कि हम अपने ही देश में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम जाएं तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड आगे और वैक्सीन, 4 वैक्सीन और, BioE का, Zydus का, भारत बायोटेक का नेसल वैक्सीन और BioE का वैक्सीन, ये 4 वैक्सीन जो है आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। जिनोवा का वैक्सीन 4th जो mRNA टेक्निक पे ऊपर आधारित है, Zydus का जो DNA प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सारी जो कोशिश हुई पैरेलल में चलती रही हमने। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।